Hello all, welcome to Colors and Clay with Anshu. Today we will learn how to give crackle effect without using crackle medium. अगर हमारे पास crackle medium नहीं है और हम अपने किसी art project में crackle effect देना चाहते हैं तो वो हम कैसे देंगे यही आज हम सीखेंगे. For this tutorial I am using this MDF board. इस पर पहले हम एक base coat देंगे. Here I want cracks to be highlighted in orange color, so I am using orange color. आप अपने art project में जिस भी color से चाहते हैं कि cracks highlight हो, you can use that color. Here I am using acrylic colors. और उनसे हम इस तरह से बेस कोट देंगे. फर्स्ट लेट इट ड्राई कम्प्लीटली. जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम उसके ऊपर एक कोट फेविकॉल MR का लगाएंगे. दैट आई विल शो यू हाउ. ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, अब हम इस पर फेविकॉल का एक कोट देंगे. And with the help of a dry brush, spread it like this. I am removing the extra. Do not let it dry. Fabricol dry नहीं होना चाहिए. Now start applying the upper coat. Here I'm using black color for this. Do not repeat. जहां आपने सेकेंड कोट कर दिया है उस पर फिर से रिब्रश नहीं करना है. Cracks will appear gradually as Fevicol and upper coat starts drying.
यू कैन ऑल्सो यूज अ हीट गन और अ हेयर ड्रायर टू मेक इट ड्राई फास्टर. ये देखो जैसे जैसे ये ड्राई होता जा रहा है क्रैक्स इसमें आते जा रहे हैं. ये जो व्हाइट लाइन है ये फेविकॉल है. जब ये ड्राई होगा तो ये कम्प्लीटली इनविजिबल होगा और जो आपका ब्लैक कोट है वो दिखेगा. यहां हमारा ब्लैक कोट ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर इसमें दिखने लगेगा लाइक दिस. ये देखिए. सो यू कैन ट्राई दिस टेक्निक ऑन ग्लास बॉटल्स ऑल्सो और कार्डबोर्ड. किसी पर भी ये वर्क करेगा. आप चाहो तो कार्डबोर्ड पे ट्राई कर लो, ग्लास बॉटल्स पे ट्राई कर लो, ड्रॉइंग इवन ऑन ड्रॉइंग शीट्स. आप ड्रॉइंग शीट पे भी ट्राई कर सकते हो. नाउ इट हैज ड्राइड कंप्लीटली एंड सी द ब्यूटिफुल क्रैकल इफेक्ट. आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी अपने किसी बड़े आर्ट प्रोजेक्ट पर इस टेक्निक को ट्राई करें ऑलवेज पहले एक स्मॉल पैच में ट्राई करें एंड देन यूज इट ऑन अ कंप्लीट प्रोजेक्ट.